गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है हम पेपर क्रोमैटोग्राफी के बारे में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस। क्रोमैटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे आप एक मिक्सचर से डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हो, और ऐसी ही चीज हम पेपर क्रोमैटोग्राफी में भी करते हैं। बस पेपर क्रोमैटोग्राफी में हम एक पेपर को यूज कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, हम यहाँ पर एक पेपर लेते हैं जो कि सेल्यूलोज पेपर होता है। उसके पेपर के 2 सेंटीमीटर अबव पे हम एक लाइन लगाते हैं, पेंसिल से एक लाइन खींचते हैं, और उसके सेंटर में हम यहाँ पर सैंपल अपना, जो भी हमारा सैंपल है मिक्सचर का, उसको हम पुट कर देते हैं ड्रॉपर के थ्रू। यहाँ पर अब ये जो पेपर है, इस पेपर को हम एक ग्लास जार में पुट कर देते हैं। वो जो ग्लास जार है उसमें ऑलरेडी एक सॉल्वेंट प्रेजेंट रहेगा। ये जो सॉल्वेंट है इसमें हम पेपर कुछ इस तरीके से डालते हैं कि सॉल्वेंट बस इस पेपर को नीचे से टच करे। इसमें हम ये पूरा ध्यान रखेंगे तो कि ये जो सैंपल है ये सॉल्वेंट के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि अगर ये सैंपल सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आ गया तो ये पूरा का पूरा सैंपल बह जाएगा, हमें वो नहीं चाहिए। इसलिए सैंपल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर थोड़ा ऊपर रहता है सॉल्वेंट से, और सॉल्वेंट जस्ट पेपर को थोड़ा सा टच करता है। उसके बाद यहाँ पर हम ये जो ग्लास का जार है इसको बंद कर देंगे। ग्लास के जार को बंद क्यों कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो सॉल्वेंट है उसका जितने भी यहाँ पे वेपर्स वगैरह बने वो सारे के सारे जार में ही रहे और कुछ भी इवेपोरेट ना हो, सारा का सारा चीज यहाँ पे इस जार में ही प्रेजेंट हो। अब इसके बाद यहाँ पर जो सॉल्वेंट है ये धीरे 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 कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर जाएगा, पेपर जो है पेपर के ऊपर जाएगा बाय द एक्शन कैपिलरी एक्शन। यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो टोटल 2 चीजों से मिलकर बना हुआ होगा। एक तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा एक्वस मॉलिक्यूल्स, और दूसरी तरफ यहाँ पे प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिक मटीरियल। जो एक्वस होगा वो यहाँ पे क्या होगा, वाटर होगा, दैट इज अ पोलार मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ये जो वाटर है ये सेल्यूलोज मॉलिक्यूल के साथ जाके बाइंड हो जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये पेपर से जाके बाइंड हो जाएगा, पेपर से जाके पूरी तरीके से अच्छे से बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एक्वस मटीरियल है ये एज अ स्टेशनरी फेज वर्क करेगा। ये यहाँ पर क्या करेगा, एज अ स्टेशनरी फेज वर्क करेगा, क्योंकि पानी जो है ये पेपर के साथ जाके पूरे अच्छे से बाइंड हो चुका है, तो अब ये रुक चुका है, तो ये स्टेशनरी फेज की तरह एक्ट करेगा। वही जो ये ऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो नॉन पोलार होगा, नॉन पोलार होने की वजह से ये ऊपर 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 मूव करता जाएगा, एक पॉइंट तक ये यहाँ पे मूव 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 करता जाएगा। तो यहां पर जहां तक ये आ रहा है सॉल्वेंट, इसको हम क्या बोल देंगे, सॉल्वेंट फ्रंट बोल देंगे, जहां तक भी सॉल्वेंट मूव करेगा। सॉल्वेंट का मतलब क्या, ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि नॉन पोलार है। अब यहां पर जो सैंपल है वो भी सॉल्वेंट के साथ ऊपर मूव करेंगे, वो भी इस नॉन पोलार मॉलिक्यूल के साथ ऊपर मूव करेंगे, लेकिन यहां पर सैंपल का कुछ हिस्सा, कोई यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा जो यहीं तक गया, सैंपल का कोई मॉलिक्यूल होगा जो यहां तक जाएगा, सैंपल का कोई मॉलिक्यूल होगा वो यहां तक जाएगा। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, जो सबसे ऊपर गया वो सॉल्वेंट के साथ यानी कि नॉन पोलार मॉलिक्यूल के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहा है, इसलिए वो इतना ऊपर गया। वही ऐसा मॉलिक्यूल जो नीचे ही रह गया वो यहां पर इस पेपर के साथ और वाटर के साथ स्टेशनरी फेस के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा था। हमें पता है जो पोलार मॉलिक्यूल है वो पोलार मॉलिक्यूल के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, जो नॉन पोलार होते हैं वो नॉन पोलार के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है जो मॉलिक्यूल नीचे रह गया वो यहां पर कैसा होगा, पोलार होगा, वो ज्यादा पोलार होगा, और जो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उतना ज्यादा ही वो कैसा होगा, नॉन पोलार होगा। इस बेसिस पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कौन सा मॉलिक्यूल पोलार है, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलार है, कितना कौन सा मॉलिक्यूल जा रहा है। तो इस तरीके से हमें ऑन द बेसिस ऑफ पोलारिटी हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स मिल जाएंगे। यहां पर इसके अलावा हम इसको यूज करके आर एफ फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज रिटेंशन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने कि समझे यहाँ पे कहा जो सॉल्वेंट फ्रंट है उसकी वैल्यू यहां से मैंने ली कितनी हो गई, बी हो गई। यहां से जहां पे मैंने पहली बार सैंपल डाला था वहां से लेकर ऊपर सॉल्वेंट कितना गया वो मैंने डिस्टेंस ले लिया बी। वही यहां पर कोई भी एक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस मॉलिक्यूल को देखा ये यहां से यहां पर कितना मूव किया, उसकी वैल्यू मैंने ले ली ए। तो यहां से हम आर एफ वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितना यहां पर ए मूव किया अपॉन कितना यहां पर सॉल्वेंट मूव किया, इससे हम एक रिटेंशन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, और हर एक मॉलिक्यूल का हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। नीचे वाला आपको क्या बता रहा है कि कितना डिस्टेंस यहाँ पे हमारे सॉल्यूट ने ट्रैवल किया अपॉन कितना डिस्टेंस यहाँ पे सॉल्वेंट ने ट्रैवल किया, इससे हम आर एफ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आर एफ वैल्यू हम
को आप इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे जब हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कलर्ड है. वॉट इफ अगर मॉलिक्यूल कलरलेस हुआ तो उस कंडीशन में हम एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं अमाइनो एसिड्स का. अगर अमाइनो एसिड्स कलर्ड नहीं है तो हम यहाँ पर इस पेपर को निनहाइड्रिन से स्प्रे कर सकते तो अलग अलग कलर के हमें अमाइनो एसिड्स दिख जाएंगे, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ पे प्रेजेंट है. तो इस तरीके से हम कलरलेस मॉलिक्यूल्स को हमें पहले उनको कलर्ड बनाना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा तरीका लाना पड़ेगा, कुछ ऐसा रिएक्शन करवाना पड़ेगा ताकि हमें वो विजिबल हो सके, और उसके बाद हम यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. और इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं पोलार और नॉन पोलार के बेसिस में. इस कंडीशन में जो पोलार था वो वाटर था और वो पेपर के साथ बाइंड हो चुका था, नॉन पोलार था वो ऑर्गेनिक मटीरियल था जो फ्लो होते गया कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू ऊपर जाता गया और उसके साथ साथ ही जो सैंपल है उसके मॉलिक्यूल्स को भी ऊपर ले जाता गया. सो आई होप गाइस आपको पेपर क्रोमैटोग्राफी अच्छे से समझ में आ गई होगी. अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को. थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय.